थाना सदर के प्रतापपुरा चौराहे पर सेंट मेरी चर्च में मध्य रात्रि शरारती तत्वों ने प्रवेश कर उत्पात मचा दिया। मदर मैरी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया, साथ ही बाल स्वरूप यीशु की प्रतिमा का सिर घर से अलग कर मदर मैरी के हाथ में रख दिया। इस पूरी घटना को देखते हुए ईसाई समाज में बहुत बड़ा आक्रोश है। उनका कहना है कि जिसने भी ये घटना की है ठीक नहीं किया है। इस संबंध में आईजी आगरा और एसएसपी मौके पर निरीक्षण करने आए थे। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया है, जांच की बात कही जा रही है। करीब 3:30 बजे मैंने सुना कि मेरी कार का अलार्म बज रहा है, जैसे एंटी थेफ्ट अलार्म होता है ना, चोरी के बता देता। तो मैं बाहर जब गया देखने के लिए तो मैंने देखा मेरी कार यहाँ बाहर खड़ी थी आंगन में, और चारों दरवाजे खुले हुए थे और मेरे को कोई दिखाई नहीं दिया, कोई नहीं था उस समय। तो मैं जब पास जा कर के देखा तो देखा कि सामने का शीशा और एक साइड का शीशा दोनों के दोनों टूटे हुए थे। कार के शीशे टूटे, सामने का जो होता है ना विंड स्क्रीन वो था, एक साइड का शीशा दोनों टूटे हुए थे। तो मैं फिर भी चुप रहा, मैंने कहा चलो कार को चुराने आया था, शायद अलार्म बज गया तो भाग गए, कार छोड़ गए। लेकिन फिर जा कर के जब मैंने चेक किया, मैंने कहा चलो उठ तो गए, 3:30 का टाइम था वो, तो मेरे साथ एक और फादर भी थे, हम दो जा करके वो देखा कि देख करके आते हैं कंपाउंड में चक्कर लगा रहे थे जी। जब गिरजे के सामने गए थे तो हमने देखा कि वहाँ पर की जो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ वो तोड़ी हुई थी जी। कौन सी मूर्ति तोड़ गई? एक तो बिल्कुल बीच चर्च के बाहर जो पार्क बना हुआ उसमें लगी हुई थी, और मूर्ति मदर मेरी की मूर्ति थी, एक बहुत बड़ी मूर्ति है आदम साइज़ की, और उसके अलावा दो छोटी मूर्तियाँ और थी वो भी तोड़ दी उन्होंने जी। जिस कांच के बक्सों में लगाई गई थी उनको तोड़ दिया जी। सबसे बड़ी दुख की बात है कि मदर मेरी के गले में कुत्ता बांधने की चेन बांधी हुई चेन। ये बहुत दुख की बात है, ये हम नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या संदेश देना चाहते हैं इसके माध्यम से, है ना, कि डराना चाहते हैं, भगाना चाहते हैं, या हमें भय पैदा करना चाहते हैं समाज में, क्योंकि इस तरह की घटनाएं बराबर हो रही। कुछ दिन पहले सेंट एंथनी स्कूल में भी था, उससे पहले शहीद नगर में भी हुआ। तो ये घटनाएं पहले तो आम घटना समझ में, अब धीरे धीरे बढ़ रही है। गिरजाघरों में अभी तक अटैक नहीं हुए थे, ये इस तरह के नहीं हुए थे। अब ये अगर इस तरह की चलेगी तो एक समझिए कि एक श्रृंखला शुरू होगी।